ठीक है जी, सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे जो है मौका दिया अपने वक्तव्य को सभी कर्मचारियों, अध्यापकों और सभी इच्छुक जिज्ञासु समाज के सामने रखने के लिए। मैं महावीर कैथला, जिला प्रधान हिमाचल राज्य के अध्यापक शिमला, मैं आपके समक्ष जो है वृंदक चौहान द्वारा जो है पिछले दिनों कुछ मेरे खिलाफ जो है आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों के बारे में मैं उसकी जो ठगी है वो जो आप सभी मीडिया भाइयों को गंभीर करता है, ठगी का काम करता है, उसके बारे में जो है आपको अवगत कराने आपके समक्ष हूँ। देखिए, इस महाशय ने जो है मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि शिमला जिला का प्रधान जो है बैंक में अकाउंट नहीं खोल पाया। मेरे शिमला में 21 ब्लॉक हैं, ये महाशय 21 ब्लॉकों से लेकर जिला का शेयर जो है स्टेट में अपनी मेंबरशिप बढ़ाने के लिए ले जाता है तो किस चीज़ का खाता खोलेगा। नंबर दो, ये जो है कोऑपरेटिव बैंक छोटा शिमला सचिवालय की जो मैनेजर हैं पुष्पा शर्मा, जहाँ पे इसने मुझे चैलेंज करा था कि जॉइंट खाता मैंने वहाँ पे खोला है जॉइंट मोर्चा का, तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने उनके सिग्नेचर लिए 12/4/2022 के। उनने कहा कि सबसे पहले तो कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन लाइए, इस महाशय से आप भी मांगिए हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन की रजिस्ट्रेशन की कॉपी मांगिए, फिर उसके बाद पैन कार्ड चाहिए, इसके आधार पर पैन कार्ड बनता है। हमने कोशिश करी थी कि इस महाशय ने कुछ ज़िलों में 20,000 रुपये दिए थे, वो भी मुख्य तौर पर कुल्लू, सिरमौर और ऊना। मैं ये पूछता हूँ कि 20,000 किस लिए दिए थे, ये भी वो सफाई दें। हमने भी चाहता कि शायद हमें भी दें, हमारा पैसा भी लौटा दें, तो हम भी खाता खोल प्रयास करा था, लेकिन ये कॉपी इस महाशय ने हमें नहीं दी, इस वजह से खाता नहीं खुलता। खाता खुल भी जाएगा, कुछ दिनों में आप उससे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं। दूसरा, इस महाशय ने आपके मीडिया के थ्रू कहा था कि शेर अभी जिंदा है, तो मैं इस महाशय को कहना चाहता हूँ कि शेर ज़्यादा खतरनाक होता है कि जख्मी शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। इस महाशय ने आप मीडिया बंधुओं के साथ भी छल करा है, जुबल में 29 मार्च को मीटिंग दिखाई है, लेकिन वो मीटिंग नहीं थी। वहाँ पे जो है BRC के अंदर जो है एडोलेसेंट प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, टीचर उसमें थे। ये जो वीरेंद्र चौहान है ये किसी प्रिंसिपल की ज्वाइनिंग करवाने गया था, इसने मौका देखा कि टीचर मेरे नज़दीक नहीं आते हैं, वहाँ जाकर उसने इसको जिला शिमला की मीटिंग दर्शाया, जबकि वो मीटिंग जो है जुब्बल की मीटिंग भी दर्शाई नहीं जा सकती है। शिमला जिला में 21 ब्लॉक हैं, गलती से जुब्बल ब्लॉक का प्रधान ना जाने किन कारणों से वहाँ उपस्थित था, वो इसमें था। साथों साथ इस महाशय ने क्या करा कि जो है 30 तारीख को अपने घर में बैठे बैठे हमारे को निष्कासित कर दिया, जिला प्रधान, मेरे सचिव को, मेरे कैशियर को, गलत तरीके से। और सतनाम खाकटा जी को, मैं दिखा रहा हूँ आपको, कॉपी दिखा रहा हूँ, सतनाम खाकटा जी को कार्यवाहक प्रधान बना दिया, ये सतनाम खाकटा जी। और दूसरे दिन जो है खाकटा जी ने रिजाइन भी दे दिया, इसको इसकी अहमियत बता दी कि तेरे साथ जो है कोई भी अध्यापक नहीं है। फिर हमने जो है वही जख्मी शेर वाली बात है, स्टेट के जो महासचिव है उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप एक इमरजेंसी स्टेट की कार्यकारिणी की जो है मीटिंग बुलाई, जिसे उसने पूरे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से इसको भी भेजा, और ये आदमी आपको झूठ बोलता है कि मुझे कोई मालूम नहीं है, और जबकि ये वीरेंद्र चौहान है यही व्हाट्सएप में जो है बधाइयाँ दे रहा है कि आपको इस बैठक की बहुत बहुत बधाइयाँ व शुभकामनाएं, चाह रहे हैं कि वहाँ पर आता, लेकिन हिम्मत नहीं थी क्योंकि इसको अपने पद को गंवाने की का जो डर था वो इसको सता रहा था। फिर ये हम पर आरोप लगाता है कि निष्क्रिय रहे 3 साल से। मैं आपके समक्ष हुए, मेरे पास प्रूफ भी है, मीटिंग्स जहाँ जहाँ मीटिंग में मैंने ज्वाइन करा है, जिन धरनों में मैं गया हूँ, ठीक है। मैं जनवरी 2020 में हमीरपुर में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे मैंने शिरकत करी, इसके साथ करी। उसके दूसरे दिन जो है ज्वाला जी में मीटिंग थी, वहाँ पे मैं गया, 9
नवंबर 2020 को मंडी नेर चौक में मीटिंग थी, वहां पर मैं था। 11 दिसंबर 2021 को एनपीएस की रैली धर्मशाला में थी, मैं उसमें था, ये नहीं आया। और जो है 19 दिसंबर 2021 को पंजाब में न्यू पे स्केल पे धरना था खरड़ में, वहां पर मैं था। और स्कूल 17 फरवरी को खुले इस साल, और हमने 16 फरवरी को रामपुर में जाकर 4 ब्लॉक्स की मीटिंग करवाई। ये आदमी कहता है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं करी, ये नोटिफिकेशन, इसको नोटिफिकेशन बोलते हैं 2019 से 22, लेकिन कोरोना का समय था, जिंदगी जो है लोग जो अपनी जिंदगी से लड़ रहे थे। इस वजह से जो है हम जो है ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करवा सके, लेकिन फिर भी मेरे पास प्रूफ के तौर पे सारे कागजात उपलब्ध हैं। अगर आप देखना चाहे, इसे दिखाना चाहे, पंजाब के दिखा देता हूं मैं। ये देखिए पंजाब के कागजात हैं जहां पे मैं धरने में उपस्थित हूं, एनपीएस के हैं, एनपीएस धरने में मैं हूं, बाकी भी मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मीटिंग रामपुर में करी थी, उसका प्रूफ मेरे पास है। ये महाशय हमें कहता है, ये एरेगरन तू खेरी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एवरी टॉम डिक एंड हैरी। मैं आप मीडिया बंधुओं के द्वारा जो है उसे आगाह करवाना चाहता हूँ कि मिस्टर वरिंदर चौहान, अगर तू हमको एवरी टॉम डिक एंड हैरी कहता है तो हम जो है वी आर द थिंग ऑफ थाईलैंड, नोट इट फॉर फ्यूचर। अलग अलग मुद्दे हैं हमारे अध्यापकों के, उसमें हमारे हित भी समाहित है, और उसके लिए हम जूझ रहे हैं। सरकार से जो है जिस मंच पे या जिस तरीके से तौर तरीके से उठाने, हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। इन शब्दों के साथ में ठीक है, आपका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरह से पहले ये किया गया था कि कार्यकारिणी से इनको निकाला गया था, वीरेंद्र चौहान को राजकीय अध्यापक संघ से, तो क्या अभी भी राजकीय अध्यापक संघ का हिस्सा है या फिर अब नहीं है? ये अध्यापक संघ की मेंबरशिप से इनको नहीं निकाला गया है, इनको सिर्फ अध्यक्ष पद से निकाला गया है। तो ये जो भी अब बैठकें कर रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट्स लगा रहे हैं, वो संगठन की स्टेटमेंट्स ना मानी जाए, इनकी पर्सनल स्टेटमेंट। कोई कानूनी कार्रवाई भी करेगा संगठन? इस कानूनी कार्रवाई, हमारे को कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, हमारे हाउस ने डिसाइड कर लिया है, ये हैज बीन एक्सपेल्ड। कानूनी कार्रवाई तो ये करे, ये बोलता है कि हमने नहीं किया, हम बिल्कुल तैयार है, पूरी मैं कैबिनेट फाइल कर चुका हूँ, ये कोर्ट में जाए, हम वहाँ स्वागत करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर ये कोर्ट में आता है तो ये अध्यापक संघ में जो विवाद चल रहा है इस पर विराम लगेगा। और एक बड़ी चुनौती है वीरेंद्र चौहान के लिए, अगर ये बहुत बड़ा नेता अपने आप को मानते हैं वीरेंद्र चौहान जी, तो हमारे राज्य के अध्यापक संघ के, अब अगर इसको वीरेंद्र चौहान का भी एक गुट अलग से आप मानते हैं तो 4 हो जाएंगे। मेरी चुनौती ये है कि 4 में से वीरेंद्र चौहान के अलावा बाकी सभी तैयार हैं यूनाइट होने के लिए, सारे यूनाइट होने के लिए तैयार है। और अगर इस ये बड़ा नेता समझता है, ये आए, हम सब लोग बैठ कर के एक निष्पक्ष व्यक्ति को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाएंगे। हम लोग कुछ नहीं है, मैं तो ऐसी भी एक्टिंग हूँ, महाजन जी भी छोड़ देंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाएंगे और एक निष्पक्ष चुनाव कमेटी बनाई जाएगी, वो पूरे स्टेट में चुनाव करवाएगी। वीरेंद्र चौहान बड़ा नेता है, वो चुनाव लड़े, और उस चुनाव के बाद में वीरेंद्र चौहान को अपनी औकात पता चल पड़ेगी कि वो कितना बड़ा नेता है। ये खुली चुनौती है मेरी ओर से वीरेंद्र चौहान को। ये नहीं है कि नेता वो होता है कि अगर किसी को किसी से आपको अगली बार के लिए चुनाव आने वाले होते हैं, ये मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता है कि उसको एक्सपेल कर दो, उसको निकाल दो। इस तरह जो है संगठन नहीं चलेंगे। संगठन के लिए जरूरी है लोगों को जोड़ना, तोड़ना नहीं। इन एक और संदेश देना चाहता हूँ, इनका जो चरित्र है, पिछले 4-6 दिनों में आपने देखा होगा तीन पर्सनैलिटी इसमें इन वीरेंद्र चौहान जी के अंदर नजर आए। जो भी ये डिक्टोरियल बिहेवियर करते हैं संगठन के अंदर, तो ये किंग जॉन बन जाते हैं। और जब आक्रामक रूप से एक दिन ये अटैक कर रहे थे हमारे ऊपर, जहाँ जिसमें भाषा का भी ध्यान नहीं रखा गया था, किसी को कहा था कि भाई ये सड़क छाप नेता है, तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से उस दिन बौखलाए हुए थे, जिस प्रकार का जो है ये आक्रामक नीति अपनाए हुए थे, हालांकि बौखलाते नहीं है पुतिन जी, पर आक्रामक नीति उनकी जरूर है। तो ये पुतिन अपने आप को जो व्यक्तित्व है वो झलक रहा था। कल मैंने एक और वीडियो मेरे साथी ने दिखाया कि देखो यार कितनी मासूमियत से अपने घर में बैठ के एक और वीडियो रिलीज कर रहा है, आप ही बताओ जी मैंने क्या गलत किया। ये
और इतनी मासूमियत झलक रही थी, मुझे जेलेंस्की जी याद आ गई। तो ये जो चरित्र है ये संदेह के घेरे में है, और मैं तो बहुत सारे आरोप है मेरे पास लगाने के लिए, शायद आप लोगों के पास में वक्त नहीं है। जिस प्रकार से कि ये लोग ये कहते हैं कि 3 लाख रुपए के साक्षात्कार मांग रहे हैं, मैं तो पहला प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि आपने 12 जिलों के लिए 12 चेक एडवांस में क्यों साइन करवाए थे ज्वालामुखी की मीटिंग में, जनरल हाउस में, जिसका आरोप हमारे वित्त सचिव लगा चुके हैं। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई है आपको कि आप जिला को पैसे दें, जबकि जिला का शेयर 40% शेयर जिले में रहता है। इसका मतलब है आपने अपने चुनाव जीतने के लिए सारे जिलों का पैसा स्टेट में इकट्ठा कर रखा है, और वादे के अनुसार, उस वादे का मुझे भी पता है, वो वापस करना था चुनाव के दिन, वादे के अनुसार आपने पैसा वापस नहीं किया। जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ा, हमारे जो विवाद चल रहे हैं वो इसी शेयर को लेकर के है कि वापस दो, उनको वादा निभाइए। जब दबाव पड़ा तो इन्होंने दबाव में आके, हालांकि हम ही भरी थी, हम चेक वापस करेंगे, 12 चेक लिए भी, लेकिन इनके ऊपर दबाव बना दिया कि हम आपको पैसे देंगे लेकिन आप पहले अकाउंट खोलिए। और इस प्रकार से इन्होंने पैसा 20,000 रुपये 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट को दिया है, उसके अलावा किसी को इन्होंने पैसा नहीं दिया। बस ठीक है।